गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आई हो आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, ये बीच में जिस दिन आपका ये भैया दूस था, उस दिन से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और साथ में घर में सबकी, बच्चों की भी, मम्मी की भी, वाइफ की भी, और जिस वजह से दोस्तों मैं कोई वीडियो भी नहीं बना पाया। और दोस्तों वो वहाँ पर जो दिख रहा है वहाँ पे मेरा, हमारा घर है, और मैंने उसी जगह पे बकरियाँ 2-3 दिन इसी जगह पे छोड़ रखी थी ऐसी। और साथ में एक दोस्त था तो उसी ने मेरी बकरियों को देखा रेखी करी वहीं पे इधर उधर। और अब दोस्तों थोड़ा कल से थोड़ा सा तबीयत ठीक है मेरी भी और घर वालों की भी, तो आज भी बकरियाँ इधर ही को छोड़ दी हैं। आजकल जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हो, जाड़ों के दिन हैं, ठंड के दिन हैं। अभी खेत हमारे सारे उस साइड में को चीड़ के पेड़ के उधर को हमारी खेती है पूरी उधर को, उससे तो अभी खेतों की घास पूरी तरह से नहीं कटी है, तो इसलिए अभी खेत बंद ही हैं, खेत नहीं खुल रखे हैं। और जब खेत खुल जाएंगे तो मैं उस साइड को जाऊंगा। तो आजकल दोस्तों इस साइड को है बस, थोड़ा ये है इधर थोड़ा धूप वूप मिल जा रही है इन्हें, और जाना पड़ा बहुत आगे तक जंगल के वहीं तक। बाकी पानी हानी की आजकल यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इस एरिया में पानी नहीं है, क्योंकि जंगल जाते थे वहाँ पानी है, उस साइड को जाते हैं उस साइड में को भी पानी है, इन एरिया में पानी नहीं है, तो इसलिए थोड़ा बकरियाँ आजकल भाग के जाते हैं। और दूसरा देखो दोस्तों, अभी तो बहुत साफ हो चुकी हैं, बल्कि आजकल ये अपने पर कांटे लगा दे रही हैं कुम्भर, और जिससे निकालने में भी टाइम लग रहा है। आजकल बालों में बहुत लगा रखे हैं, जिससे हेयर लॉस भी हो रहा है इनका, क्योंकि काफ़ी तरह से बाल इनके चिपक जा रहे हैं और खुजली करते हुए पूरे बाल ही निकल जा रहे हैं। देखो दोस्तों क्या हाल हो रही है इनकी, ये देखो पूरे चिपक रखे हैं। और दोस्तों आज मैंने दोबारा अपने वीडियो की शुरुआत कर दी है, तो कोशिश करूँगा बीच बीच में आपके लिए अपने ब्लॉग्स वगैरह लेते आऊँ। और इतने टाइम तक दोस्तों मैं कोई अपडेट नहीं दे पाया, इसके लिए तहे दिल से यूट्यूब फैमिली को सॉरी। और दोस्तों मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।